हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों कुछ सर्वसंख्या पर आधारित कुछ प्रश्न कराएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, यदि x प्लस वन अपन x बराबर 5/2 तो x पावर 3 प्लस वन अपन x पावर 3 का मान आपको बताना है। इस तरह के अधिकतर प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप से प्रश्न पूछे कि यक्स क्यूब प्लस वन अपान यक्स क्यूब का मान बताइए, तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाला फार्मूला लगा कर आसानी से आप बता देंगे। ए प्लस, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आप ए प्लस बी का क्या करेंगे, होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस क्या होता है यहाँ पर, 3ab, ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी होता है। ये सब सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सवाल को कैसे लगाएंगे, ए को आप क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे, यानी जहां पर ए है वहां पर आप यक्स लिखेंगे और जहां पर बी है वहां पर आप 1/x लिखेंगे। वैसे यहाँ पर भी आपको करना है, जहां जहां पर ए है, यहाँ पर देखिए ए है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यक्स लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए बी है तो यहाँ पर हम 1/x लिखते हैं, क्या 1/x। अब ये देखिए, पूरे का पावर कितना था, ए प्लस बी का होल क्यूब था, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे। यहाँ पर देखिए ए है तो ए की जगह पर मैं क्या बोला था, यक्स लिखना है, तो यहाँ पर यक्स लिखेंगे, ए का क्यूब था तो यक्स का क्यूब कर देंगे, प्लस का चिन्ह लाएंगे। बी की जगह पर हम 1/x लिखेंगे, जब आप 1/x लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए बी का क्यूब था तो पूरे का क्यूब करना होगा, तो 1 का क्यूब करेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर आप यक्स का क्यूब नीचे लिख दीजिएगा। प्लस का चिन्ह लाएंगे, 3 लिखा हुआ तो 3 लिखेंगे, ए की जगह पर हमें यक्स लिखना था 3×यक्स लिखेंगे, बी की जगह पर हमें क्या लिखना था, 1/x लिखना था। ब्रैकेट में देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी का मतलब आपको क्या लिखना है, ए की जगह पर यक्स लिखना है, बी की जगह पर 1/x लिखना है। इतनी बात आप सभी को जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर यक्स प्लस वन अपान यक्स है, तो यक्स प्लस वन अपान यक्स बराबर है क्या 5/2 का, तो यक्स प्लस वन अपान यक्स की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5/2 लिख देंगे। अब इसका पावर 3 है तो 5/2 का पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे, यक्स पावर 3 प्लस वन अपान यक्स पावर 3, इसको इसी तरह लिखेंगे क्योंकि हमें इसी का मान निकालना है, तो यक्स पावर 3 प्लस वन अपान यक्स का पावर 3 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस क्या हो जाएगा, यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 3 बचा हुआ है, और यक्स प्लस वन अपान यक्स यहाँ पर भी है, तो यक्स प्लस वन अपान यक्स बराबर है क्या 5/2 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 3×, कितना हो जाएगा, 5/x की जहाँ पर हम 5 लिखेंगे, और 1x की जहाँ पर क्या, सॉरी, यक्स प्लस वन अपान यक्स बराबर है क्या 5/2 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस वन अपान यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसकी जगह 5/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 5/2 का पूरे का पावर 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5×5×5 कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। नीचे आपका कितना हो जाएगा, 2 का भी पावर 3 है, तो 2×2×2 3 बार, तो 2×2 = 4, 4×2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इनका गुणा करेंगे तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, और नीचे 2 है तो कितना हो जाएगा, +15/2। इसको हम जब बराबर के साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -15/2 हो जाएगा। तो इस साइड में क्या बचेगा, यक्स का पावर 3 प्लस वन अपान यक्स का पावर 3, यही ना बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये भिन्न का घटाव की तरह है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, अब हम यक्स पावर 3 प्लस वन अपान एक्स पावर 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं क्योंकि उसी का मान हमें बताना है, तो यक्स का पावर 3 प्लस वन अपान एक्स का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको आप घटाएंगे एलसीएम विधि के द्वारा, चाहे करिए चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैसे ऐसे प्रश्न में आप एलसीएम विधि के द्वारा करिएगा, तो कितना आ जाएगा, 65/ कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको करने का तरीका क्या था, 8 और 2 का एलसीएम लेते आप, 8 आ जाता, यहाँ पर 125/8 पहले से था, और यहाँ पर कितना हो जा, 2×4 हो जाता, तो यहाँ पर हम 15, 2×4 जब 8 हो जाता तो 15×4 हम 4 करते, तो 15×4 कितना हो जाता, 60 हो जाता, 125 में से आप क्या करते, 60 को घटाते तो 65 आ जाता, नीचे आपका हर बराबर था 8 हो जाता। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब मैं इसी प्रश्न को देखिए माइनस वाला भी बताता हूँ। दूसरा प्रश्न है, देखिए यदि x माइनस वन अपान एक्स बराबर 3/2 तो x पावर 3 माइनस वन अपान एक्स पावर 3 का मान आपको बताना है, तो यहाँ पर माइनस का जब चिन्ह लग जाए तो आप क्या करोगे, a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सेम वही फार्मूला है, बस आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब
माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को जरूर समझ में आई होगी। अब ए की जगह पर आपको जहां पर ए है वहां पर एक्स लिखना है, बी की जगह पर वन बाई एक्स लिखना है। तो यहां पर हम एक्स माइनस क्या लिखेंगे, वन बाई एक्स लिखेंगे, इसका पावर क्या कर देंगे, थ्री कर देंगे। बराबर ए की जगह पर एक्स लिखेंगे तो एक्स पावर थ्री हो जाएगा, माइनस बी की जगह पर हम वन बाई एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन का पावर थ्री और एक्स का भी पावर थ्री हो जाए। तो वन का पावर थ्री का मतलब वन ही होगा, तो यहाँ पर एक्स पावर थ्री कर देंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे, थ्री लिखेंगे। ए की जगह पर हमें क्या एक्स लिखना है, बी की जगह पर वन बाई एक्स लिखना है, और यहाँ पर ए माइनस बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन अपान एक्स हो जाएगा। इतनी बात आप सभी लोगों को जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए एक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर तीन बटे दो है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन अपान एक्स की जगह पर तीन बटे दो, इसका पावर थ्री है तो इसका भी पावर थ्री कर देंगे। बराबर का चिन्ह लाएंगे, यहाँ पर एक्स का पावर थ्री माइनस वन अपान एक्स का पावर थ्री, माइनस कितना हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वन अपान एक्स है तो एक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर है क्या, तीन बटे दो। यहाँ पर क्या इसकी जगह पर हम क्या तीन बटे दो लिखेंगे, तो तीन का उड़ा तीन में करेंगे, तीन त्रिका कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, दो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसी चीज को लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो तीन का पावर तीन है यानी तीन बटे दो पूरे का पावर थ्री है, तो तीन गुड़े तीन करेंगे, तीन त्रिका नौ, नौ त्रिक कितना हो जाएगा, सत्ताईस हो जाएगा। नीचे आपका कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, यानी टू इंटू टू करेंगे, दो दूना चार, चार दूना आठ हो जाएगा। अब जब हम इसको माइनस माइनस नौ बटे दो को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका नौ बटे दो हो जाएगा। बराबर आपका कितना बचेगा, एक्स का पावर थ्री माइनस वन अपान एक्स का पावर थ्री। अब आप क्या करोगे, इन्हें जोड़ लेंगे, जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे आठ और दो का, तो इसको हम पहले इस साइड में लिखते हैं, एक्स का पावर थ्री माइनस वन अपान एक्स का पावर थ्री बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम जब आठ होगा तो दो चौके कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, नौ चौक कितना होता है, छत्तीस, सत्ताईस में आप क्या करेंगे, छत्तीस को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तिरसठ बटे आठ आ जाएगा, तो यहाँ पर 63 बाई क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। यही फाइनली आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, जिनको तरीका मालूम रहेगा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके लिए चाहे माइनस वाला दे चाहे प्लस वाला दे, आप आसानी से एग्जाम में करके आओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।